करनी है। अच्छा एक और बात तो सुनो, हाँ पबजी, मेरी बात सुनो, लोग यहाँ पर कह रहे हैं कि पबजी हराम है इस्लाम में, सही है? पबजी इस्लाम में हराम नहीं है, सही है? नहीं है कोई हराम नहीं, बंदा खेल सकता है, सिर्फ ये पबजी में इस वो वैसी वाली खवातीन आती है जो मेरी ब्रा बात पैंटी सुनो, पहनी होती है। वो रियल तो नहीं होता ना, रियल और ओरिजिनल में अच्छा फर्क होता है। अच्छा सुनो मतलब सुनो, तो एक मिनट पबजी एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनो, भाई प्लीज पबजी प्लीज रुक तब जा भाई, पबजी जी रुक जी जा भाई, पबजी रुक जा जी 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 भाई जी का आर्गुमेंट ये है कि वो पबजी में जो ब्रा पैंटी वाली लड़कियां आती है वो असल तो नहीं है ना, तो हाँ इस असल वजह नहीं से है, वो हलाल है। तो देख नहीं सकते। कार्टून ओ मैंने कब वाले हलाल का, हाँ मैंने हलाल कब का पबजी हलाल है कहा ना आपने, हराम नहीं, मेरे हराम भाई, नहीं तो जो हलाल पबजी, होगा ना। जो मेरे सुनो, जो पबजी लवर है ना, जो पबजी खेलते हैं वो उस पर गौर हाँ नहीं करते, सही? और जो हाँ ठरकी होंगी वो उस पर गौर करेंगे। अरे पबजी, भाई जो तुम पबजी गौर खेलता है ना, करो वो अपने एस, भाई अपने भाई रैंक बढ़ाएगा, अपने भाई किल्ड भाई बढ़ाएगा, अपनी कैडी भाई, बढ़ाएगा, वो ये काम भाई करेगा, वो ये वो चले जाएगा, औरतों को तो नहीं देखेगा। आपके सामने तो नजर आ रही है ना, वो तुम गौर नहीं कर रहे वो एक अलग मसला, नजर तो आ हाँ रही है। इस्लाम में तो अभी ये भी है कि आप औरत की तरफ आंखें उठा के भी नहीं दे सकते। अब ये, फिर आप अब तो वहां बात पे ही, देख रहे हो अगर उसको। आप खुद फंस रहे हो, आप खुद फंस रहे हो। अब मैं नहीं देख रहा उस औरत को, तो मुझे गुनाह तो नहीं मिल रहा ना, सही है? क्या सेम टू सेम पबजी आपको का नहीं नजर आती हो, मैं नहीं देखता। नजर आती या नहीं आती? नजर आने में, इग्नोर करने में फर्क है या नहीं? मैं इग्नोर कर देता हूँ, मैं अपनी तो गेम भाई स्टार्ट करता मेरे हूँ, मेरा तो मन है सामने ना। अगर पॉन चल रहा है, ठीक है, यार पॉन चल रहा है, ठीक हाँ है, मैं उस पे गौर हाँ नहीं कर रहा हूं लेकिन मुझे हाँ नजर आ रहा है। मेरे भाई, इस्लाम में ये है कि अगर आपको कोई मिया औरत खलीफा दिखे जो है सामने, हमारे सामने है, वो और तेल लेने मिया गई, वो कौन तेल लेने गई है। मेरी सुनो मियाँ खलीफा, कौन मेरी तेल बात लेने गई? सुनो, मेरी बात सुनो यार। देखो हाँ इस्लाम में ये है कि अगर आपके सामने औरत आ जाए तो आप एकदम नजरें नीचे कर दो, सही है? तो अच्छा नजर नीचे, नजर नीचे कर दूं अगर आपके सामने औरत आ अच्छा जाए। ये इस्लाम में, बताओ देखो यहाँ प्यारे यहाँ तक भाई, है, यहाँ तक पबजी 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 एक जी बात जी बताओ। असीब नाम है मेरा हाँ हसीब साहब एक बात बताओ कि जी। अगर आपने सही कहा कि कोई अगर गैर औरत आपको दिख रही है तो हाँ आपने जो है नजर नजर नीचे कर दो। नीचे कर लेने, हाँ लेकिन जी अगर गैर औरत को देख के, ठीक जी है, आपको सेक्स की भूख चढ़ जाए हाँ और आपको तुरंत जाना पड़े अपनी बीवी के पास या अपनी गर्लफ्रेंड के हाँ पास, ठीक है, जो भी आपके हाँ लिए अलाउड है, तो हाँ क्या ये एक अच्छा शख्स हो सकता है? हाँ हो सकता है, ये नबी हदीस है। इससे मैं आपको, मैं पूरी हदीस सुनाता हूँ। आप सुना या आपने सही नोटिस किया, लेकिन आप गलत वे में, आप सलम पर इल्जाम लगा रहे हो, लेकिन सही वे पे आप सही लोगे वे में आप तो ये बता आपको दीजिए। फायदा भी करेगी हदीस। आप सलम घर से बाहर निकले तो आप सलम के, हाँ अभी पहली बात तो मैं ये कर रहा हूँ कि इस्लाम में ये भी है कि पहली नजर अगर औरत पर चली गई है, पहली नजर माफ, अब ये नहीं कि पहली नजर आप 1 घंटा देखते रहो, सही है? ये इसका मतलब नहीं है। अगर गलती से पहली नजर चली गई है, हसीब साहब की आवाज चली गई, नजर चली गई और आवाज हसीब आ रही है, साहब की आवाज आ रही है ना आवाज मेरी, अभी अभी आई, अभी आई, हाँ आवाज आ रही है, आ रही है, बोलो। आवाज आ रही है, हेलो अरे यार आ रही है मेरे प्यारे भाई, हेलो। आ रही है। अच्छा मैं कह रहा हूँ कि इस्लाम में ये है ना कि अगर आपने पहली नजर आपने अगर औरत को देख लिया है तो वो माफ है। अब ये नहीं कि 1 नजर आप घंटा लगातार देखते रहो, उसे True, agreed, आगे बोलो। आगे बोल भाई। यार अमित इनकी आवाज आ रही है क्या? मुझे ही नहीं आ रही है। नहीं, नहीं गई इसकी आवाज। इनको 12 बजे के बाद ही बुला लो सेल भाई। मेरे को ऐसा लग रहा रसूलुल्लाह जो है या अल्लाह ने इनका इंटरनेट खींच लिया, बोले भाई निकल ले पहली फुर्सत में। चलो क्रॉस डे सर जी एक सदफ करके है, ये ओरिजिनल सदफ है क्या, देख लेते हैं। जी सदफ जी, शुक्रिया आपका जी, बहुत बहुत कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हमें माइक दें। अच्छा मुझे नीचे बैठे उन लोगों से बात करनी है, तो प्यारे बहन भाइयों हिंदुओं, अरे आते साथ शुरू नहीं होने का, थोड़ा हाई हेलो तो कर लो यार। मेरी तो आज नसीब खुल गई,
मैं तो धन्य हो गया प्रभु, आज हमारे आस्थाने पे सदफ आई है, गुलाब भेजो, बहारो, फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है, सदफ आई है। वाह 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 वाह, गुलाब भेजो यार, गुलाब भेजो सदफ के लिए, कितने दिन से मिस कर रहे थे सभी लोग। हाँ सदफ का वेलकम करो सब लोग, ये लो सब। और भाई लोग फटाफट शेयर करो स्ट्रीम, क्योंकि जितने लोग सदफ को मिस कर रहे थे, आज जो है सदफ आ गई है। जी सदफ जी कैसी हैं आप? सहल भाई गीता देवी को बुला ले प्लीज। अरे क्या हुआ सदफ, डिस्कनेक्ट हो गई यार, ये क्या नजर लग गई किसी की यार, तुम लोग को बोलता हूँ नजर मत लगाओ। नहीं नहीं ये रिकॉर्डिंग वाली नहीं है भाई, रिकॉर्डिंग वाली नहीं है, ये ओरिजिनल सदफ थी। अच्छा रिकॉर्डिंग, ये नहीं यार, मेरे को लग रहा ओरिजिनल वाली है क्योंकि कमेंट में भी original, है। ओरिजिनल थी, रिकॉर्डिंग है। ओरिजिनल थी भाई, रिकॉर्डिंग का अलग चीज रहता है मसला। रिकॉर्डिंग वाला मसला अलग होता है। चलो देखो रिकॉर्डिंग भी थी तो थोड़े टाइम के लिए तो खुश करके गई कम से कम। ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये फिर से आया है, हसीब से पहले डिस्कशन कंप्लीट कर लेते हैं। हाँ भाई हसीब, हेलो, कैमरा बंद कर ले भाई, आवाज आ रही है? आ रही है, आ रही है। वाईफाई नहीं चल रहा था, अभी डेटा पैकेज लगाया। हाँ सुनो मैं आपको कह रहा था, अभी अभी मेरे पूरे ध्यान से सुनो, उसी हदीस की बात करूंगा, पहले आपसे थोड़ा कुरान मजीद में आता हूँ। कुरान मजीद में ये है कि अगर आपने सुनो ना, देखो साहिब पूरी बात सुनो तभी आपको समझ आएगी, अगर आपने पूरी बात नहीं सुनी तो आप नेगेटिव ही लोगे इस बात को, सही है? उस हदीस को सब बोलूं ना, अब सुनो कुरान मजीद में ये आया है कि अगर आपने औरत को पहली नजर देख लिया गलती से तो वो माफ है, उसके बाद आपने आंख उठा के नहीं देखनी। कुरान ऐसा नहीं कहता, कुरान ऐसा नहीं कहता कि गलती से देख लिया तो माफ है। एक आयत बता दो जहाँ पे कुरान कहता हो कि गलती से देख लिया तो माफ है। ये गलती से या जानबूझ के, जो भी कह लो। हाँ जानबूझ के बता दो कुरान में से, वो मैं दिखा दूंगा, ये मैंने पढ़ा हुआ, मैं सबको दिखा दूंगा। देखो शायद भाई जो इस्लाम में ये कि हम अपने से कोई बात नहीं कर सकते, अब जो मेरे को आता है यार कुरान में नहीं है हसीब, कुरान में नहीं है ये आयत कि गलती से देख लो तो माफ है, कुरान में किधर भी नहीं है। कुरान में जितने ये था कि नजरों की हिफाजत करनी है। आप लोग जो है ना, आपके उलमा जो ये बातें अपनी मर्जी से जो कहते हैं ना, वो सुन के आपको लगता है कि ये कुरान में है, उलमा से दूर रहो। सही 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 बात सही आपने, मैं उलमा भाई मैं मिर्जा अली को सुनता हूँ, मिर्जा अली कोई आलिम नहीं है, आपको अच्छे से पता है। अब मैं आता हूँ इस हदीस में ये है कि आप सल्लम घर से बाहर गए तो उन्हें औरतें दिखी, सही है, औरतें दिखी। अब ये आपको पता है इस्लाम में सेक्स डिसिप्लिन बहुत हाई लेवल के, मतलब सही है डिसिप्लिन, सही है। आप उन औरतों से ना देख सकते हो उन औरतों को। अब आप बोलोगे आप सल्लम ने देखा क्यों, सही है, तो मैं वही बात कह रहा था कि आप सल्लम की नजर चली गई। अब मैं आपको बता रहा हूँ, दुनिया का कोई ऐसा बंदा नहीं है, सही है, जो मतलब अभी ये आप सल्लम की नजर चली गई, सही है, उनकी तरफ। अब आप सल्लम की नजर चली गई तो वो लड़कियां थी प्यारी, सही है। आप सल्लम की वो लड़की, आग, हाँ वो लड़की क्या थी जिस पे नजर गई, वो लड़की प्यारी होंगी ना, प्यारी और सेक्सी भी लिख दू, प्यारी और नहीं, सेक्सी होने में दोनों में फर्क है। नहीं नहीं मेरी बात तो सुनो, तो फिर सुनो ना आगे, तो आप सलम गए फिर कमरे के अंदर, प्यारी थी या प्यारी के साथ सेक्सी भी थी? जस्ट प्यारी, पक्का? हाँ लिख लो। अच्छा प्यारी थी वो लड़की थी, देखो प्यारी, मैं जिस तरह ठीक है आगे आगे। तो फिर आप सलम गए अंदर, सही है, क्योंकि इस्लाम में ये नहीं है कि आप उस लड़की के पास जाओ जो आपको लग गई है प्यारी, तो उसके बाद जाकर उससे बातें करो, फिर रात भर बातें करते रहो, ऐसी कोई चीज इस्लाम में नहीं है, सही है। आप सलम के पास अपनी बीवी थी, आप सलम को शेर बताई, तो आप सलम ने हमें और हम मुसलमानों को सिखाने के लिए कहा है कि अपनी बीवी से प्यार करो, सही है। अगर कोई बाहर औरत, अगर आप बाहर औरत, इस हदीस का इस्तेदाल कर रहा हूँ मैं, सुनो अभी, अगर आप अपनी बीवी को छोड़कर बाहर औरतों में मुंह मारोगे, सही है, अगर आपको बाहर औरतें
अच्छी लग गई वो, आप औरतों पे ही मुंह मार रहे, अपनी बीवी को छोड़ रहे हो, तो ये इस स्लेव्स पे हदीस मुंह ऐसे मार सकते डालते क्या हैं नहीं मार सकते? क्या? स्लेव्स पे लौंडियों में मुंह मार सकते क्या नहीं मार सकते? लोंडी, मैं आपको मेरी पहली बात सुनो, लोंडी है, लोंडी जंग के मौके पे बनती है, सही है, अरे जंग के नहीं नहीं मौके मैं पे सिर्फ लोंडी। मेरे को भाई 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 डिस्कशन मुझे फ्लो नहीं तोड़ना है, मैं सिर्फ हाँ इतना पूछ रहा हूँ कि आपने कहा कि दूसरी औरतों पे मुंह मत मारो, लौंडी हाँ पे मुंह मार सकते क्या नहीं मार सकते? देखो जो लोंडी बनी हुई है उस पर क्यों नहीं हाँ मार सकते, सेक्स कर सकते उसके साथ, अल्लाह का हुक्म है। मुंह मार सकते हैं ना। अच्छा एक पॉइंट हाँ ये भी डाल देता हूँ, एक बीवी है, एक बीवी और एक दूसरी, लोंडी, इन दोनों के साथ कर हाँ सकते हैं। दूसरी औरतों ओ पर दूसरी औरतें मुंह कहाँ? ओ भाई, ओ नहीं भाई, हेलो मारो। हेलो। यार मैं लिख रहा हूं हाँ पूरी बात, रुकेगा हाँ थोड़ी। दूसरी दूसरी, हाँ सही सही औरतों पर मुंह नहीं मारो, अपनी लौंडियों पर और मुंह। वो लोंडी जो बने खुद अपनी रजामंदी से बनी हो, सही है, ये लिखना लाजमी है। रजामंदी से कौन लौंडी बनता रे भाई? क्या रजामंदी से तेरी बहन कभी लौंडी बनेगी? देखो ये जमाने की बात अलग, उस जमाने की बात अलग, वो जंग के मौके पर अच्छा बन उस जाती जमाने थी। में रजामंदी से लौंडियां बन जाती थी। तो अगर कोई उस जमाने में सेक्स करता था लौंडी के ए साथ, हिप तो हॉपर लोंडी मुझे से दबा प्यार जस्ती करता कर, था। ए हिप हॉपर मतलब वो मुझे कहती थी मुझे ए गिव मी मोमिनो आंसर, मुझे लौंडी बना लो, ए मोमिनो सुनो तो मेरे भाई, कैसी मोमिनो बातें कर मुझे रहे हो? लौंडी बना लो मोमिनो। कौन आप मुझे अपनी साबित, मर्जी से लौंडी कौन बनता भाई? आपने बोल लिया, अब मैं बोलूं क्या वो हाँ बोलो लोंडी लोंडी से कोई जबरदस्ती करता था कि आप मेरी लोंडी बन जाओ? बताओ मेरे को बिल्कुल। उसका आंसर, तो आप जाकर साबित करो, भाई साबित करो, साबित मैं करो, सुन साबित। भाई सुन लेना भाई मैं हाँ बता रहा हाँ हूं, साबित। आप जाकर मार्केट से लौंडी खरीदते हो ठीक है, उसकी हाँ रकम लेके खरीदते हो, वो हाँ आपकी प्रॉपर्टी है। हाँ वो ये नहीं बोल सकती मैं इसके पास नहीं बिकूंगी, ये मालिक मुझे पसंद नहीं है। और आपने कुछ? लौंडी की रकम अदा की, वो आपको वो लौंडी मिलेगी, आपकी वो प्रॉपर्टी है, जैसे कार होती अच्छा। है समझो। देखो अभी तुम छोटे हो लेकिन अच्छे इंसान हो, इसी वजह से समझा रहा हूं, थोड़ा गौर से समझना। मिसाल के तौर पे कार है, कार लेने जाते हो आप ठीक है, आपने कार की रकम अदा की, कार ये नहीं कह हाँ सकती कि भाई ये मेरे को हसीब नहीं चाहिए, ये मैं आप इसे दूसरे डाल क्या मालिक कर के रहे हो? पास बिकूंगी। क्यों आपकी दलील बातिल है, आप बातिल बात है कर रहे हो यहाँ लड़कियों की, भाई लड़कियों के पास होता है दिल, कार के पास दिल होता है ये बताओ, और तो लड़कियों के क्या पास होता है इंसानों दिमाग, को, कार के पास दिमाग एक है, मिनट, क्या बताओ इंसानों को, क्या एक मिनट क्या क्या कार बच्चे पैदा कर सकती इंसानों है, को बताओ बेचा जा सकता है? क्या? क्या इंसानों को बेचा जा सकता है? यार इसका देखो मेरी बात सुनो, मैं इंशाल्लाह मैं 12 बजे आओगे ना, 12 बजे अभी तो अभी क्या हो गया, भाग रहे हो? भाग नहीं रहा, मैं इसका आंसर लेके आ रहा अच्छा आंसर लेके आओगे। अच्छा ठीक है, लौंडी पे हूँ, अपन बाद में बात कर लेंगे, कोई मुश्किल नहीं। अभी इस पे ये है कि ठीक आप दूसरी औरतों पर मुंह नहीं मारो, अपनी लौंडी पर मुंह मार सकते हो। हाँ तो क्या क्या हुआ था फिर? रसूलुल्लाह जो है वो बीवी के पास गए और क्या हुआ? सबर सबर। हाँ भाई आवाज आ रही है? मैं आ रही आ रही है। देखो मेरी बात सुनो, कौन है बाजू में, कोई है भाई? वही है। अरे भाई कोई भाई वाई है? हाँ घर वाले उनके अच्छा घर वाले। हाँ ठीक है आगे बोलो। सामने, उनके सामने नहीं कर सकता बात, अरे इस्लाम अपने की बातें बच्चा क्यों नहीं कर सकते उनके सामने? नहीं, नहीं जो आप बात कर रहे हो वो नहीं कर सकता, इस्लाम तो आवाज मना भी कर रहा खराब हो है। गई भाई। चलो आप है ना 12 बजे के बाद आना भाई, ये सही अभी है असल में इनकी सही आवाज है। भी सही नहीं आ रही, और इनके घर वाले आ गए और इनको शर्म महसूस हो रही है नहीं उनके नहीं सामने नहीं नहीं बात। मेरी मेरी बैटरी मेरी मोबाइल की बैटरी नहीं है ना, 1% हो गई थी, तो भाग के मैं नीचे आ ऐसे गया होता है बहुत से लोगों के साथ। आप हूँ। जाके बैटरी चार्ज करके 12 बजे के बाद आ जाना ठीक है चलो प्यारे सही भाई, है, चलो सही है, आना जरूर लेकिन। जी, आऊंगा आऊंगा, ओके चलो खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज।
चलो ये बेचारे का मामला जो है, लेकिन इसने बहुत इतने शॉर्ट मटेरियल दिए इसने जिसकी इंतहा कोई नहीं एक पर से एक सहेल शॉर्ट मटेरियल दिया है भाई। भाई मर्जी से लौंडी बनती है, कोई सेक्सुअल फैंटेसी खेलते थे क्या नबी इनके साथ में? मर्जी अरे से क्या क्या डायलॉग आ रहा, मर्जी से वो लौंडी बनती थी निशा खान जी भाग गए। निशा खान जी एक मिनट यार, नॉन मोमिन जो भी जुड़ेगा मैं सीधा ब्लॉक कर दूंगा। नीतीश और ये हे करके जो बंदा है, मोमिन है। हाँ बोला तो है अभी देखो। हाँ भाई हे साहब, हेलो साहिल भाई, कैन यू हियर मी? आवाज साफ नहीं है आपकी। हेलो आवाज साफ नहीं है, हेडफोन लगाए हो तो निकाल दो। चला गया। ये एमडी राहुल कौन है? ये भी बोल रहा है मोमिन हूँ। हाँ भाई एमडी राहुल साहब, एमडी राहुल। अरे जरा स्वागत वाले कुछ गीत हो जाए। प्यारे बच्चों जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। हमारे आंखों की ठंडक, हमारे दिल का सुकून, इस कल्ब को सुकून देने वाली हस्ती, जिनको सुन के हमें तकरीबन 3 से 4 दिन हो गए थे और हमारा दिल जो है वो बेकरार हो रहा था। आप सभी के प्यारे न्यारे, हम सब के हुज्जतुल मुर्तदीन एडम साहब मौजूद है। फर्शी सलाम आपको एडम साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। एडम साहब पधार चुके हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। सहल भाई थैंक यू सो वेरी मच। की हो रहा? आपने अभी जो एक लड़का आया था 18, इनका डिस्कशन अभी सुना आपने? मैंने थोड़ा सा सुना, थोड़ा सा नहीं सुना, थोड़ा सा सुना और फिर थोड़ा सा नहीं सुना। वो कह रहे जी पल्ले आपने बड़ी हलाल अच्छी चीज मिस कर दी अल्हम्दुलिल्लाह। वो 12 बजे के बाद फिर आएगा, उसकी उसका चार्ज जो है वो खत्म हो गया था मोबाइल का, तो वो फिर से आने अरे वाला है, तो हम उसका इंतजार करेंगे। भाई ने बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी पॉइंट दी उन्होंने। उन्होंने कहा कि माशाल्लाह रसूलुल्लाह ने किया है तो किया है, मैं भी अपनी शादी जब उसकी होगी तो बोले मैं बीवी के लिए जो मैक्सी खरीद के लाऊंगा तो वो मैं पहनूंगा, मुझे भी कोई वाह दिक्कत नहीं है। तो मैंने बोला वाह अच्छा तू ब्रा जो है, ब्रा जो खरीद के पहनेगा उसका कौन से कप साइज का लेगा तू? तो बोलता मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैं बोला दो मौसमी लगा ले अरे मैं भी गया, दो किन्नू रख ले बीच में ओ यार सर देखें बात ये है सर, इसे सर आप समझ नहीं सकते। इसे कहते हैं प्यार, नबी से प्यार, नबी की हुर्मत के लिए कुछ भी करेगा साला। ये वो प्यार है जो आप नहीं समझ सकते, ये सिर्फ वही समझ सकते हैं जो नबी को प्यार करते हैं। नबी वाह की भाई प्यार के लिए साला कुछ भी करेगा। वो कैसा ऐसा कि गाना भी था ना, एक इस तरह का कोई गाना भी वाह था, वो गाना हाँ ये हाँ बोल याद आ गया मुझे। हाँ लव के लिए साला कुछ लव भी करेगा। के हाँ तो वो ये नबी के लव के लिए साला कुछ भी करेगा। हम ब्रा भी पहनेगा नबी के लव के लिए, उसने जो हम किया हम पैंटी भी वो अपन पहनेगा। करेगा। अब इनका भरोसा नहीं भाई, ये लोग जो है ना वो विस्पर विस्पर भी पहनना शुरू कर दे। वल्ला हबीबी वल्ला हबीबी। नबी की चाहत में। चलो हाय एक हाय मोमिन ले हाय लेते हैं, एक मिनट रुको। स्क्रीन कवर करने के लिए पहले मैं वो हदीस लेके आ जाता हूँ। आ गई है हदीस। ओके हमारे स्क्रीन ही ले लिया मैंने। अमित साहब ने कर दिया है। एमडी राहुल साहब, बड़ी स्क्रीन की कवरेज आ गई जी, बड़ी स्क्रीन कवरेज आ गई। क्या कर वो रहा अभी भाई तक, एमडी राहुल? अभी तक 15 मिनट पीछे बैठा हुआ वो यूट्यूब पे सुन रहा अरे एमडी है राहुल क्या कर रहा भाई?
एमडी राहुल साहब, अब्बू आ चुके हैं, आप टेंशन ना लें, यहाँ बैठे हैं, अब्बू आ चुके हैं भाई, बैठे हैं। अभी तुझे निकाल रहा हूँ ये तेरी हरकत की वजह से, ठीक है? और आपका नाम जो है वो भी नॉन मोमिन वाला है। खुदा और इंसान, ये कौन है खुदा और इंसान? एक मिनट जी, खुदा और इंसान साहब जी बोलिए सर, लिफ्ट से उतर जाइए, सीट बेल्ट लगा लें, गाड़ी की सीट बेल्ट लगा लें भाई, फिर बुलवाइएगा। बोलिए सर, मोमिन हैं आप? जी मोमिन हूँ। इनकी आवाज क्लियर आ रही है एडम साहब आपको? मोमिन हूँ, बोलिए सर। अब आ रही, आ रही, आ रही। ओके सर, आयतुल कुर्सी सुना दे। अम्मा सीट बेल्ट लगा ले भाई। आयतुल कुर्सी सुना रहा हूँ, ठीक है? हाँ। अल्लाह ला इलाहा इल्ला हुवा अल हय्युल कय्यूम ला ताखुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द मन ذا الذي يشفع عنده الا باذنه يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسيع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم। ما شاء الله भाई, गाड़ी तो नहीं चला रहे ना आप? गाड़ी चला रहा हूँ, लोकल रोड पे चला रहा हूँ। यार थोड़ा साइड में ले ले भाई, प्यारे भाई थोड़ा साइड में ले ले, खाली पड़ा है भाई। भाई नहीं, खाली वो है, खाली, जो भी हो सर, हाँ, इलीगल एक्टिविटी में हम शामिल नहीं हो सकते। ठीक है, बोलो बोलो। गाड़ी साइड पे ले लो, साइड में ले ले। ठीक है, बोलो। हाँ भाई, तो आज का टॉपिक पता है आपको? पिछले एपिसोड से ही पता है भाई। अच्छा, तो पिछले एपिसोड में आप जुड़े नहीं थे? नहीं जुड़ा था मैं, इससे पहले नहीं जुड़ा था। ओके, तो बताइए, ये आपके रसूलुल्लाह जो है, ये बीवियों के कपड़े क्यों पहनते थे? यही वाली जो सेम हदीस है ना, जो अल अदबुल मुफरिद में आई हुई है, तो यही सेम हदीस ना सही मुस्लिम में भी है। ओके, तो यहाँ पे जो मिर्त का जिक्र है ना, जो कपड़े का, तो उसको असल में उसके कई तरह के माने लिए जाते हैं, वो चादर के माने में भी इस्तेमाल होता है। सही मुस्लिम में sunnah.com वालों ने चादर उसका ट्रांसलेशन किया हुआ, अरबी बिल्कुल सेम है उसकी, तो इसका मतलब चादर भी इस्तेमाल लिया जाता है। तो चादर अगर कोई इस्तेमाल कर लेता है किसी की, तो उसमें उतने कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा, प्यारे भाई, प्यारे भाई, खुदा और इंसान साहब, पहले ये बताइए, सबसे पहले कि ये जिसने हजरत आयशा की शर्ट लिखा हुआ है और जिस मुतरजिम ने हजरत आयशा के कपड़े लिखे हुए हैं सही बुखारी की हदीस में, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? गलत तर्जुमा किया है, यही ख्याल है, उसे साफ साफ लिखा हुआ है। डंगर है वो लोग, डंगर है जो बोले, इतने अल्फाज का तर्जुमा सही नहीं है, क्योंकि सेम sunnah.com पर सेम। देखिए भाई, बात भाई, वो डंगर है ना, वो आलिम नहीं थे, वो डंगर थे ना। आप एक बड़े आलिम हैं जिसको तर्जुमा मालूम है, और ये जो मैंने पहले बताया 6210 नंबर की हदीस है, आप निकाल सकते हो उसको। मेरी बात सुन लो पहले, इतने इतने लाइन का तर्जुमा सही नहीं है सही मुस्लिम के मुताबिक। मुझे ये बताओ, हाँ सर, कितने बड़े स्कॉलर आ गए यार अपना अरबी के। हाँ, जो भी ये भागेगा पहले, जरा इन लोगों को जिन्होंने तर्जुमा किया उसको जरा डंगर बोल दे पहले, और अपनी इल्मी काबिलियत ये बताए, ताकि फिर समझ में आए ना कि हाँ भाई उन्होंने गलत किया और ये भाई को मालूम है। हाँ, ये PhD प्रोफेसर है भाई जान, उसके अंदर अरबी के अंदर He's a PhD professor in Arabic. सही मुस्लिम में हदीस है, सही मुस्लिम में सेम हदीस है, सेम अल्फाज़ों के साथ है। सर सर, आप हैं PhD professor in Arabic सर। भाई देखो, डायलॉग बाजी करनी है कर लो, बात करनी है कर लो। मैं बात ही कर रहा हूँ आपके साथ। बात करो सही मुस्लिम की हदीस दिखाओ, खोलो उसको। आप सुनना, मैं सर सही मुस्लिम की हदीस आपके सामने खोलता हूँ। मैं सही मुस्लिम की खोलता हूँ। अरे भाई, मैं खोल, रोते क्यों भाई, रोते, रोना नहीं है, रोना नहीं है।
ओके सहल साहब, पहली बात यह है कि ये जो सही मुस्लिम की हदीस दिखा रहे हैं sunna.com में, मुझे तो नहीं मिली, हमारी वेब में मिली है मुझे। वो जो बता रहे हैं ना, वो मैं आपको हदीस नंबर जो sunna.com में है, मैं वो 2402A है। अच्छा अच्छा 24 ये इतना सन्नाटा क्यों है भाई? 2408A 2402A फॉर एप्पल 02A ओके अच्छा जी अच्छा जी क्या किधर है? ओके ओके ले जी साहिल साहब, ये मुझे पता है इनकी दो नंबरी क्या है। सर आप देखें ना, आप हम इतने अरसे से एमी तो हमें डैडी नहीं कहते लोग, क्या ख्याल है साहिल साहब? बिल्कुल बिला वजह तो और लोग डैडी नहीं कहते। निकाल सकते हो एडम साहब तो उसकी सर मैंने क्या कहा, ऐसे बिला वजह तो लोग डैडी नहीं ना कहते हमें, राइट? नो शक, बेहतरीन 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 जी भाई जान, ये वाली चाहिए थी आपको? ठीक है पढ़िए जी सर, ये वाली चाहिए थी ना? हाँ उतना हिस्सा पढ़ लो जितना हिस्सा हमारे, मैंने कहा है कि यही वाली है ना, 6210 ऐसे नंबर हदीस है भाई की थोड़ी बहुत यहाँ वहाँ नंबरिंग हो सकती है, क्या लिखा हुआ है इसके तर्जुमे में पढ़िए। आयशा द वाइफ ऑफ अल्लाह प्रॉफिट एंड उस्मान both reported that Abu Bakr sought permission from Allah messenger for entrance. He was laying on the his bed covered with the bed sheet of Aisha. Aisha ki bed sheet ke sath covered. Ji haan yahi wali hai, theek hai yahi wali hai sir. Ji yahi. Acha ji Sahil sahab apni hadith kholiye, arbi ka lafz dikhaiye, us hadith mein kaun sa lafz hai arbi ka? Mirt ka lafz istemal ho raha hai dono mein. Ye mirt ye bata diya usko mirt yahan pe dal diye यार, सबर करना बे, सबर कर। साहिल साहब दिखाइएगा लफ्ज ने मिर्त। हाँ एक मिनट, एक मिनट अला बस ये स्टॉप 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 साहिल साहब स्टॉप स्टॉप, लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन है ये, इसके बाद हाँ जी अला फिराशा आयशा लिबास मेर, सबसे लास्ट लाइन देखिए साहिल, लास्ट लाइन जो स्क्रीन पर नजर आ रही है, सेकंड लास्ट लाइन से शुरू हो रहा है, अला फिराशी आयशा लिबास मेर्त, यहाँ पे नाउ ले भाई जान, ये अब दोनों हदीसें एक ही अरबी का लफ्ज यूज कर रही है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बेहतरीन। अब आप इस चीज को मुझे समझाएं कि एक हदीस को दो डिफरेंट स्कॉलर्स ने नहीं, दो डिफरेंट वेबसाइट ने नहीं, सेम वेबसाइट के ऊपर यूज किया, एक कह रहा है बेड शीट यानी कि बिस्तर की चादर, बिस्तर की चादर जो होती है वो ना लड़की की होती है ना लड़के की होती है, बिस्तर की चादर अकॉर्डिंग टू योर ओन प्रॉफिट बिस्तर मर्द का होता है, बेड मर्द का होता है, ठीक है, आपके अपने नबी के मुताबिक। अब मुझे बताइए कि यहाँ पे बेड शीट की ट्रांसलेशन खराब है, गलत की गई हुई है बेड शीट, या लिबास ट्रांसलेशन सही है? भाई यहाँ पे लिबासुन मिर्त लिखा हुआ है, अब यहाँ पे जो लिबास का माना आ रखा है वो लिबास पहनने के माने में आ रखा है या ओढ़ने के माने में आ रखा है। ओके फिर लिबास और मिर्त, मिर्त जो है वो बेड शीट को कहा जाएगा या उसके कपड़ों का आएगा, उसके जब उसके आप डिक्शनरी में देख सकते हो, उसका तन पोष भी उसका माना लिया जाता है और चादर भी, वो दोनों ही माने उसके। बेहतरीन हो गया, तन पोष भी लिया जाता है ना? जी बिल्कुल। ओके तो भाई फिर अगर लिया जाता है तो मुझे बताओ जिसने कहा है कि आयशा कपड़े तो गलत कैसे कहा, पहले ये समझाएंगे आप, क्योंकि यहाँ पर बेड की शीट तो हो नहीं सकती, बेड की शीट। अच्छा एक बात तो कंफर्म करें, क्या कभी भी बेड शीट हो सकती है? कहीं पे अरबी में लफ्ज़ बेड लिखा हुआ है? नहीं बेड नहीं लिखा हुआ है, उसको चादर या कपड़े का माने लिया जाता है। इसका मतलब है कि ये वाली ट्रांसलेशन सही मुस्लिम की जहाँ पे बेड शीट लिखा हुआ है वो स्टूपिड इडियोटिक इंतहाई अपंग डिसीविंग ट्रांसलेशन है, करेक्ट होगी बात? करेक्ट होगी बात? हाँ ठीक है
ओके तो अगर ये वाली ट्रांसलेशन ही गलत है तो इसका मतलब है बाय डिफॉल्ट ऑन द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन ये वाली ट्रांसलेशन सही है आयशा का लिबास नहीं ये सही नहीं है क्यों सही नहीं है जो मृत है उसका माना नहीं बनता केवल एक जगह का बनता है देखो अरे भाई एक सेकंड रिलैक्स भागना नहीं है डरना नहीं है शोर नहीं करना है ओके जब आपने कहा कि इस चीज का माना किसी भी सूरत में बेडशीट नहीं हो सकता तो आपने ट्रांसलेटर की माँ बहन तो एक कर दी पहले आदमी वुलन शर्ट नहीं हो सकता भाई इसमें भाई जान बेड शीट लिखा हुआ है ना बेड शीट नहीं ना हो सकता हां चादर हो सकती है बेड शीट नहीं हो सकता वो चादर मतलब है इसका मतलब है ये वाली ट्रांसलेशन तो बाय डिफॉल्ट गलत होगी ना हां ठीक है जो इतने अल्फाज हैं तो उसमें तो दिक्कत है क्योंकि चादर ही माना होता है चादर माना नहीं होता हेलो 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 चादर माना नहीं होता मुझे किसी भी ट्रांसलेशन में इसका माना चादर दिखाएं लेक्सिकॉन के अंदर इसका माना मृत का माना सिर्फ चादर ही होता है सिर्फ चादर नहीं होता चादर भी होता है तनपोश भी होता है चादर भी होता है मतलब है कपड़े भी होता है ना रोब होता है ना रोब कपड़े ऊपर लेने वाला हां कपड़ा भी होता है चादर भी होता है तो भाई चादर तो होता ही नहीं है चादर किस डिक्शनरी में चादर दिखाएं किस डिक्शनरी में चादर हां मैं उसको मैं दिखा देता हूं मेरे को 1 मिनट लगेगा नहीं आलम साहब की हमें परवाह नहीं है हमें दो मिनट किसी से बात करूं मैं गाड़ी पार्क करके ना फिर दे रहा हूँ कधे तुझे पहले कहा था गाड़ी साइड पे पार्क कर तू गाड़ी चलाते गधे भाई गधे भाई अच्छा भाई तो आपकी सेफ्टी के लिए बोल रहे ना भाई ठीक है तुम दोनों ऐसी तैसी करवाने वाले हो और कुछ भी नहीं है इज्जत से बात करते इज्जत रास्ते नहीं लेकिन आपकी सेफ्टी के लिए भाई 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 सेफ्टी के लिए तो मैं जहां पर हूं तो पार्किंग में गाड़ी ले जाके नहीं लगाऊंगा कहीं साइड में मैंने रोक लिया है वहां खाली है तो नहीं लगाऊंगा तुम ही सबके सब अंतर्यामी आलिमुल गुयूब बने हुए हो अच्छा मतलब आपको ढूंढने के लिए वहां जहां पे आप रुके हुए थे बात नहीं करते भाई जो अच्छे से बात करते तो उससे तो अच्छे से बात कर लिया अगर सबसे तो ऐसी तैसी करवाते ही है हवाला निकालो यार भाई हवाला निकालो तुम हवाला निकालो दो मिनट और बात करो चलो मैं सुपर चैट ले लेता हूँ मैं सुपर चैट ले लेता हूँ सारे लोग इतना खेलते हैं जिसकी इंतहा कोई नहीं है जो हदीस इसने खुद दिखाई कि साहिल साहब के उस हदीस को खोलो उस हदीस को खोलो उस हदीस से मैं क्लियर करता हूं वहां पे बेडशीट है बेडशीट इसका मतलब हो ही नहीं सकता इसको अब उन्होंने माना नहीं गाड़ी चला रहा था हमने से मना किया था गाड़ी चलाते हुए बात ना कर वरना जहां पे भी साइड पे खड़ा है उसी जगह पे दोनों आते इसके अगर अवेलेबल है साइड पे खड़ा है पार्क है तो फौरन निकाल के दिखा सकता है ही डज नॉट हैव टू गो टू अ पार्किंग लॉट नाउ राइट क्यों झूठ बोलते हैं झूठे हैं मक्कार हैं यार ऊपर से बात करते हैं हां मैं आलिमुल गाइब हूं क्योंकि अगर तो साइड भी पार्क में होते तो तुम दिखा देते कोई नहीं लेकिन एक थोड़ा पढ़ा लिखा ढंग से बात कर रहा है इसको मौका देते हैं देखते क्या लेके आता है हो सकता है इसकी आंखें खुल जाए भाई हो जाएगा तो जरा प्राइवेट चैट में मेंशन कर देना आपको अभी ले लेते हैं जब तक मैं कुछ सुपर चैट्स ले लेता हूं मोसाद भाई मेंबर बने हैं कह रहे हैं है चादर जलेबी शुरू मोमिन की हाँ अच्छा हाय चादर गौरव शर्मा कह रहे 50 शेड्स बाय मोहम्मद स्लेवरी बाय चॉइस अपंग लेजेंड भाई कह रहे जिसको शुगर है कृपया वो लोग सब्र का करे क्योंकि क्योंकि सब्र का फल मीठा होता है अरे वाह कट्टर मुनाफिक भाई कह रहे हाँ सब्र ना करें अच्छा कट्टर मुनाफिक अर्ज है यू बैठ खाली ना देख सदफ को मोती की चाह है तो दरिया में तू उतर जा कवरिंग स्ट्रीम एट 2x गर्दा उड़ा देना आज की स्ट्रीम में